चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हमारा ये चल रहा है परीक्षा मंथन। आप ये देख लो, ये परीक्षा मंथन चल रहा है चैप्टर 11, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, मॉड्यूलेशन। अब आपको पहले समझना होगा कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। दो तरह का सिग्नल होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, हल्का सा समझाऊंगा कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। जैसे दो तरह का आप घड़ी देखते होंगे, एक आपके पास घड़ी है जिसमें वो काटा लगा हुआ, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, ऐसे करके काटा घूमता है, याद है? अब देखो, एक आपके पास ऐसा घड़ी होगा जिसमें यहाँ पर 12 बज गया, 1 बजा, 2 बजा, 3, और ऐसे सुई, ठीक है, इस तरह से होगा, ऐसा घड़ी होगा। एक आपके पास ऐसा घड़ी होगा जहां पर ऐसा आ रहा है, लिख के आ रहा है 12 बज के 15 मिनट, ठीक है। तो ये मेरा जो घड़ी है इसको बोलते हैं एनालॉग, और ये जो है घड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल घड़ी। तो सिग्नल भी दो तरह का होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। अब दोनों में फर्क ये है कि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो, ठीक है, वो देखिए, ये पूरा, इसके लिए आपको डीप में घुसने के लिए वेब में घुसना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आपको बहुत ज्यादा डीप में लेके जा रहा हूं। डिजिटल सिग्नल बस आपको ये याद रखना है कि ये 0-1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। जितना भी जो कंप्यूटर है वो क्या है, ठीक है, तो ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमेशा डिजिटल सिग्नल जाता है, तो कंप्यूटर से भी डिजिटल सिग्नल जाता है 0-1 0-1 के फॉर्म में, ठीक है। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक डिजिटल सिग्नल यहाँ से जाता है, 0-1 के फॉर्म में जाता है। एनालॉग सिग्नल में जो है वो वेव जो है वो वेव के फॉर्म में सिग्नल मेरा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अब यहां पर जो है वेव में मेरा मेनली 3 चीज होता है, ठीक है। एक होता है एनालॉग, सॉरी, एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फेज। अब जैसे एक मेरा वेव है अभी, ये ठीक है, ये आप एक आपका एक वेव है ये, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, एक और मेरा वेव है, अब आप देखो ये वाला जो हाइट है ये कम है ना, ये वाला हाइट क्या है, ये ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कम है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये हाइट को, वेव का जो हाइट है, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस वेव का एम्पलीट्यूड मेरा ज्यादा है, इस वेव का मेरा एम्पलीट्यूड कम है, ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक वेव है, ठीक है, इस वेव में एक और यहां से, चलो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, अब यहां पर आप देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक एक बार वेव गया तो फ्रीक्वेंसी 1, यहां से यहां 2 बार में गया तो फ्रीक्वेंसी 2, यहां पर से यहां कितना बार में गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो जो भी जिस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा बार ऐसे 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 बहुत तेजी से करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है वो आराम से जाएगा, ठीक है। और एक होता है मेरा फेस, तो ये एक हो गया मेरा फेस, ठीक है, जैसे ये मेरा हो गया एक सर्किल हो गया 360 डिग्री, ऊपर का आप ले लो तो ऊपर का हो गया ये, ठीक है, हाफ सर्किल ले लो ऊपर से तो ये हो गया मेरा हाफ सर्किल, और नीचे का हाफ सर्किल ले लो तो ये हो गया हाफ सर्किल, एक फेस मेरा बन गया, ठीक है।
तो मेनली जो एनालॉग सिग्नल होता है वेव के फॉर्म में होता है, इसमें मेनली मेरा तीन चीज होता है, एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी, एक फेज। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। अब आप देखो, कंप्यूटर का जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। इन डिजिटल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम होता है जिसके कारण ये अधिक दूरी तक नहीं जा सकता। अब आप देखो, ठीक है, मैं आपको बताया था कि जिसका भी फ्रीक्वेंसी कम होगा जिस सिग्नल का, उसमें कम एनर्जी होगा। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगा। अब एनर्जी कम है तो ऑब्वियस है ना कि वो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो जैसे जो भी डिजिटल सिग्नल मेरा निकल रहा है वो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है। अधिक दूरी तक जाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वेव का जरूरत पड़ता है, जिसे कैरियर वेव कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाय द वे यहां पर समझो, यहां से इसको समझा दे रहे, मॉड्यूलेशन पहले समझना होगा, ठीक है। अब आपके पास एनर्जी है 100, ठीक है। आप यहां पर आए, आपके पास था एनर्जी कितना 100 का, आपको यहां तक जाना है, ठीक है। आप यहां तक नहीं जा सकते हो। चलो एक और मैं एक वेव था जिसका एनर्जी था 100, एक और मैं वेव ले आया, इसका एनर्जी है कितना 1000। अब मैं क्या किया कि ये दोनों वेव को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज मतलब ये दोनों को आपस में मिला के एक नया वेव क्रिएट कर देना होता है, ठीक है। या ये वाला मेरा एनर्जी कौन सा है, ये वाला वेव है मेरा डिजिटल, डिजिटल सिग्नल। यहां पर मेरा एक है कैरियर, इसका नाम है कैरियर सिग्नल। ये कैरियर का मतलब क्या हुआ कि जो आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाए। अब क्या था इसका, अब ये जो मेरा डिजिटल सिग्नल था इसका फ्रीक्वेंसी कम था, ये मैं 100 और 1000 एग्जांपल दिया हूं, इसका फ्रीक्वेंसी कम था। ये लंबी दूरी तक, बाय द वे किसको जाना है, दिल्ली से मुंबई, ये लंबी दूरी तक नहीं जा सकता। तो मैं क्या किया कि एक कैरियर सिग्नल को लिया, ठीक है, और ये दोनों को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि दोनों को आपस में मिला देना। अब जैसे मैं दोनों को आपस में मिला दिया तो नया वेव बन जाएगा, ठीक है। बाय द वे ये मेरा वेव ऐसे था, ये वेव ऐसे था, तो कुछ नया वेव यहां पे बन गया। अब ये वेव का एनर्जी बढ़ गया तो ये आराम से दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, यहां पर था मेरा दिल्ली, यहां पर था मेरा मुंबई, ठीक है। तो यहां तक ये पहुंच गया मुंबई तक। यहां पर जो वेव आ रहा है वो कैसा वेव आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव मतलब क्या हुआ कि हम एक लो फ्रीक्वेंसी वेव में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को मिला दिए थे और दोनों का एनर्जी मिला के वेव हम भेज दिए, तो मेरा वेव यहां तक आ गया। अब यहां पर आ गया लेकिन हमको कैरियर वेव का तो मतलब नहीं है, तो फिर क्या करेगा, यहां पर क्या होता है, यहां पर आने के बाद डीमॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। एंटीना उंटीना लगा रहता है, अपना फंक्शन होता है, एंटीना तक ये पहुंचेगा, उसके बाद वहां पर डीमॉड्यूलेशन होगा। ये डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन में कुछ नहीं, ये कैरियर वेव, यहां पर क्या क्या था, दो वेव था ना, डिजिटल वेव कैरियर वेव, तो यहां पर दोनों मिलके यहां पर था मेरा, यहां पर डिजिटल प्लस कैरियर वेव दोनों मिलकर यहां तक पहुंचा था। अब डीमॉड्यूलेशन मतलब कैरियर वेव फिर से हट जाएगा, ठीक है, फिर से हट जाएगा कैरियर वेव, क्योंकि हमें कौन सा वेव चाहिए, हमें चाहिए डिजिटल सिग्नल। तो यहां पर डीमॉड्यूलेशन हुआ और कैरियर वेव जिसको मैंने सुपर इम्पोज किया था वो हट गया बाहर, और मेरे पास बच गया डी, मतलब मेरे पास डिजिटल सिग्नल बच गया, और ये डिजिटल सिग्नल यहां पर पहुंच जाता है। तो यही होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन यहां पर अब देख लो, इसलिए कंप्यूटर का सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिर से इंफॉर्मेशन सिग्नल में चेंज करते हैं, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। देखो एक कमजोर बच्चा है, ठीक है, अब आप उसको बोल दोगे कि 10 किलोमीटर तक तुम्हें दौड़ना है तो वो नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन क्या है कि अब उस कमजोर बच्चा को एनर्जी आप दे दोगे, ठीक है, ग्लूकोन डी दे दिए, या एक तेज मतलब कि बहुत ताकतवर बच्चा के साथ आप उसको ये कर दिए कि ठीक है तुम लोग दोनों मिलकर दौड़ो, तो दोनों में क्या हुआ कि जैसे जो ताकतवर था वो कमजोर बच्चा को अपने ऊपर उठा लिया, उसको दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या मेरा टारगेट क्या था, मेरा यहां पर टारगेट था कि एक कमजोर बच्चा को, ठीक है, मेरा टारगेट है कि एक कमजोर बच्चा है
उसको यहां से यहां पहुंचाना है, यहां पर वो नहीं पहुंच सकता है। तो मैं क्या किया, इस कमजोर बच्चा के साथ एक ताकतवर बच्चा को मिला दिया। मतलब क्या, एक ताकतवर बच्चा इस कमजोर बच्चा को गोदी में उठा लिया और फिर ये दौड़ना स्टार्ट किया, तो ये आराम से पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया। अब यहां पर बस कमजोर बच्चा का काम है, तो ताकतवर बच्चा क्या करेगा, यहां पर देखिए यहां तक कौन कौन आ गया है, ताकतवर बच्चा भी है और कमजोर बच्चा भी है। अब ताकतवर बच्चा बोला कि इसी को, ये दोनों, एक मिनट, कोड, हाँ यहां पर देखो, ये एक मेरा था कमजोर बच्चा, ये है मेरा कमजोर बच्चा, यहां से इसको यहां तक पहुंचना, यही टारगेट है मेरा, डिजिटल सिग्नल है ये, कमजोर बच्चा मेरा डिजिटल सिग्नल है, ये जान रहा है कि यहां से यहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा। मैं क्या क्या, एक ताकतवर बच्चा को लिया और दोनों का सुपर इम्पोज कर दिया। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, तो अब एक ये बन गया। मतलब कि क्या हुआ, आप समझ लो कि ताकतवर बच्चा गोदी में अपना कमजोर बच्चा को ले लिया और आराम से ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचना था पहुंच गया, लेकिन यहां पर मुझे ताकतवर बच्चा का काम ही नहीं था, कमजोर बच्चा का काम था। तो ये ताकतवर बच्चा यहां तक जब पहुंचा, ठीक है, तो बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूं वापस। तो इसी को बोलते, इसको बोले मॉड्यूलेशन, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ताकतवर बच्चा बाहर आ चला गया, तो बच गया कमजोर और ये आराम से यहां तक पहुंच गया। तो ये जो ताकतवर बच्चा जो बाहर आ गया, ठीक है, इसी को बोलते डीमॉड्यूलेशन। अब इसको वेव के फॉर्म में आप समझ लो कि डिजिटल सिग्नल जो होता है उसका लो फ्रिक्वेंसी होता है, जिसका लो फ्रिक्वेंसी होगा उसका लो एनर्जी होगा, तो इसीलिए वो ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी जिसका हाई फ्रिक्वेंसी होता है उसको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। मतलब एक वेव में दूसरा वेव को चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण उस वेव, जो नया वेव क्रिएट हुआ, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। अब मॉड्यूलेटेड वेव का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो ये आराम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, लेकिन दूसरे जगह जहां पहुंच रहा है मुझे मॉड्यूलेटेड वेव का काम नहीं है, मुझे वही डिजिटल सिग्नल का काम है जो स्टार्टिंग से आया था। तो मैं क्या करूंगा कि वो जो मॉड्यूलेटेड वेव पहुंचा, वहां से जो कैरियर फ्रिक्वेंसी था उसको बाहर निकाल दूंगा। तो इसी को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, और मेरा फिर से डिजिटल वेव बच गया, ठीक है। तो ये था मेरा मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। अब एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें तीन कंपोनेंट होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फेज, ठीक है। अब देखो ये तो मॉड्यूलेशन भी तीन तरह का होगा, एक होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होगा फेज मॉड्यूलेशन, ये डीप में आपसे नहीं पूछेगा। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता, नाम से ही क्लियर है, मेरा यहां पर दो मेरा यहां पर सिग्नल था, ठीक है, यहां पर समझो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहां पर मेरा एक सिग्नल है डिजिटल और एक सिग्नल है मेरा कैरियर। तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड को, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको आपस में मिला दिया जाएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड को मिला दिया जाता है और बाकी जो है वो सब सेम का सेम रहता है। इससे बाकी क्या बचा, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता है और एम्पलीट्यूड को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिसके कारण इस नया सिग्नल का, जो मेरा नया सिग्नल बना, इसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहेगा। जैसे बाय मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड बदल के कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और ये फेज सेम है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन लो फ्रीक्वेंसी डिजिटल सिग्नल सुपर इम्पोज विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, ठीक है, इन इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ डिजिटल सिग्नल सुपर इम्पोज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, देन इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड हियर फेज एंड फ्रीक्वेंसी इज सेम। ये फेज और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, बस एम्पलीट्यूड बदलता है, ठीक है। किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है। बस इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, टीवी प्रसारण में जो लाइव जो वीडियो आता है ना, वीडियो जो आपको दिखता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कारण दिखता है, बस यही आपसे पूछेगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी सेम होगा कि जब दो सिग्नल, एक मेरा ये डिजिटल सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल, ये दोनों का जब फ्रीक्वेंसी को आपस में सुपर इम्पोज कर दिया जाता है तो उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, और यहां पर
बचा क्या, एम्पलीट्यूड और फेज। तो एम्पलीट्यूड और फेज सेम होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, नया का फ्रीक्वेंसी बदलेगा लेकिन एम्पलीट्यूड और फेज सेम रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है कि रेडियो और टीवी का जो साउंड आता है, टीवी में जो आपको साउंड आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कारण होता है, और टीवी में जो वीडियो दिखता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कारण होता है। रेडियो का भी साउंड है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कारण होता है, और फेज मॉड्यूलेशन का मतलब कि दो वेव, जो मेरा एक डिजिटल सिग्नल था और एक कैरियर सिग्नल था, ये दोनों का जब फेज को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो मेरा बनता है फेज मॉड्यूलेशन, और फेज मॉड्यूलेशन में मेरा फेज बदलता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो ये था मेरा मॉड्यूलेशन। यहां से आपको बहुत जितना मैं बताया इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज, मतलब आपके पास जो डेटा आता है, इंटरनेट आता है, ठीक है, वो किस किस माध्यम से आता है, वो कौन कौन सा सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर उसके बारे में है। तो सबसे पहला है मेरा डायल अप लाइन। तो डायल अप लाइन ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये बहुत पहले होता था, ठीक है, अब डायल अप लाइन नहीं है, बहुत पहले यूज होता था। ये इंटरनेट चलाने का ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ही कम स्पीड था, बहुत पुराना था। तो ऑब्वियस है, पहले इंटरनेट आप देखते थे 2 GB इंटरनेट आता था, ठीक है, मतलब 1 महीना 2 GB चलता था। तो बहुत ही मतलब ये पुराना टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट का स्पीड बहुत कम था। अब टेलीफोन लाइन के थ्रू अब क्या होता था ना, अब यहां पर देखो, इसमें जो इंटरनेट है, ठीक है, यहां पर ऐसे करके एक वायर आता था टेलीफोन लाइन, इसको आप अच्छे से समझना। टेलीफोन लाइन के थ्रू इसमें इंटरनेट आता था, ये आ गया मेरे पास, ये वायर है। अब यहां पर मेरे पास है एक कंप्यूटर और यहां पर एक मेरे पास टेलीफोन, ठीक है। अब इस वायर को, इसी टेलीफोन लाइन का जो वायर आपके पास बिछता था पहले, उसी वायर के कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट भेज दिया जाता था। क्योंकि देखो उस समय क्या था ना कि बहुत ज्यादा इंटरनेट, मतलब कि एकदम जो भी कंपनी है, अब उसको पूरा रोड को गड्ढा करवाओ, वहां से तार भेजो, तो इतना ज्यादा नहीं था। तो क्या करता था कि टेलीफोन लाइन पहले से चल रहा है तो उसी का तार में क्या करता था कि इंटरनेट भी भेज देता था साथ में। तो टेलीफोन लाइन में इंटरनेट आ गया। अब इस टेलीफोन लाइन में इंटरनेट आया तो एक समय में एक काम होता था। इसका मतलब क्या, अगर इस वायर को आप इस टेलीफोन से लगा दोगे तो क्या हुआ कि अब आपका टेलीफोन काम कर रहा है। गौर करना है, अगर इस एक ही वायर है, इस वायर को आप अपने टेलीफोन से कनेक्ट करोगे तब आप टेलीफोन काम करेगा, आप टेलीफोन पे बात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर इस वायर को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते, उस समय कंप्यूटर बहुत ज्यादा था, तब क्या था कि जैसे आप अपना कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते तो आपका टेलीफोन बंद, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो वायर ही नहीं, कनेक्शन कट हो गया, टेलीफोन बंद। और यहां पर जो आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपका स्क्रीन में, हमें स्क्रीन पर एक नंबर डायल करना पड़ता था, आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बना रहता था जिसमें आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था, बाय द वे मान लो 1 2 3 4 5, जैसे आप नंबर डायल करते थे तो रिंग होता था, और रिंग होने के बाद आपका इंटरनेट चालू हो जाता था। तो यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं डायल अप लाइन, मतलब आपको इंटरनेट चालू करवाने के लिए, ठीक है, आपको रिंग करना पड़ता था हमेशा, ठीक है, और ये बहुत स्लो था, सबसे धीमा कनेक्शन, जितना भी आपको पढ़ाएंगे तो सबसे धीमा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉडेम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता था, अभी आपको बताएं टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर दो चीज आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म स्लीप का मतलब होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बस इसका नोट आपको याद करना। तो डायलअप लाइन में हमने क्या सीखा कि बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी था, इसमें क्या है कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही मेरा इंटरनेट भी आता था। एक समय में आप एक ही चीज यूज कर सकते थे, या तो एक समय में आप टेलीफोन का यूज करो बात करने में, या एक समय में आप कंप्यूटर से उस वायर को जोड़ के इंटरनेट का यूज करो। इंटरनेट का यूज करने के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर रहता था जहां पर आपको नंबर डायल करना पड़ता था, आप नंबर डायल करते थे तो फिर आपका कंप्यूटर में नेटवर्क आता था, इंटरनेट आता था, और आप उसको यूज कर सकते थे, और ये बहुत ही ज्यादा स्लो चलता था, ठीक है, लगभग 50 KBPS, तो बस इतना काफी है, आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट है मेरा लीज लाइन। अब ये लीज लाइन समझ लो, लीज मतलब समझते हो ना, लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट,
लीज का मतलब क्या हो, लीज पे जमीन ले लिए, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन ले लिए, लीज पे आप घर लियो 10 साल के लिए। बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है कि लीज पे 20 साल के लिए पूरा एरिया ले लेता है, जैसे बाय द वे कि फिटजी उटजी है, ठीक है, तो रांची में क्या करेगा कि पूरा एक फ्लोर खरीद लिया, वो खरीदा नहीं लीज पे लिया है, 20 साल के लिए लीज पे ले लिया, मतलब 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। आप दुकान लेते हो बिजनेस चलाने के लिए 10 साल का लीज पे, मतलब 10 साल तक आप दुकान आपका हो गया, आप उसको रेंट देना पड़ेगा, तो लीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लीज लाइन क्या होता है, अब देखो इसको भी आप समझो अच्छे से। यहां पर मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये जो बंदा है या ये कंपनी जो है ये इंटरनेट का सर्विस देती है, ठीक है। अब क्या है कि ये दिल्ली में यहां पर ये क्या करेगी कि ऐसे करके ये तार बिछा देगी, ऐसे अपना तार इंटरनेट का बिछाई है। अब ये जिस मोहल्ला से गुजरी, यहाँ पर एक बंदा को चाहिए इसी तार से उसको मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक बंदा को चाहिए इसी तार से मिलेगा, यहाँ पर भी एक बंदा को चाहिए इसी तार से मिलेगा, इसी तार से इसको भी, इसी तार से इसको भी, इस तरह करके उस एरिया में जितना भी बंदा ले रहा है उसको वही तार से मिलेगा। तो ये होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपके घर में भी आता होगा तो आप देखते होंगे ये अगल बगल का जो भी उसका पॉइंट होता है तार का, वहां से आपके घर पे खींच देता है, ठीक है। एक होता है लीज लाइन। लीज लाइन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक कंपनी, ये जनरली कंपनी लोग लेता है, ये कंपनी है, ये सर्विस प्रोवाइडर से बात करता है कि मुझे इंटरनेट चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, तो ये कंपनी क्या करेगा कि इस ये कंपनी के लिए अलग से तार बिछाएगा, पूरा यहां से यहां तक अलग से तार बिछाएगा, और इस तार में बस बस ये कंपनी के लिए स्पेशल तार बिछाता है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि इसका इंटरनेट कभी भी जैसे इसको एक कांस्टेंट स्पीड में मिलेगा। आप देखते हो ना ब्रॉडबैंड, आप देखोगे तो कभी आपका इंटरनेट फास्ट हो जाता है, कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कारण बहुत सारा यूजर है। रात में आपका इंटरनेट बहुत फास्ट चलेगा, रीजन क्योंकि 10 आदमी इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं। दिन में आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा क्योंकि बहुत आदमी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट स्पीड से इंटरनेट इसके पास जाता है। अब कंपनी लोग ऐसा क्यों करता है, तो भैया आप अपने घर में ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो, 10 लोग कंपनी में 5,000 स्टाफ है, अब आप खुद बताओ 5,000 स्टाफ अगर ब्रॉडबैंड यहाँ लगाएगा तो पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा, उसका इंटरनेट एकदम स्लो हो जाएगा। ये जो कंपनी चलता है, अगर आपको नहीं पता तो मालूम मैं बता देता हूँ कि मेरा जो पिछला प्रोजेक्ट था उसका नाम था पिटको, वो इस कंपनी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था 100 करोड़ का, बस 1 साल उसको सॉफ्टवेयर बनाना था। बस सोच लो, इससे आप सोच लो कि यूएसए कंपनी कितना पैसा देती है। 1 साल वो सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बदले में मेरी कंपनी को यूएस की जो कंपनी थी पेटको उसने 100 करोड़ दिया था बस 1 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरह का इस कंपनी के पास जैसे HCL है, उसके पास कम से कम 500 प्रोजेक्ट होगा, 1,000 प्रोजेक्ट होगा। तो इन लोग का जो मतलब पैसा इन लोग पास रहता है वो सीधा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो इन लोग को फर्क नहीं पड़ता है। तो इन लोग सीधा इंटरनेट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा सर्विस से, बोलेगा कि ठीक है हम आपको महीना में सीधा करोड़ से बात करेगा, 1 करोड़ रुपया दिए तार बिछा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और एक कॉन्स्टेंट स्पीड में आप इंटरनेट देते जाइए। अब यहाँ पर तो इस कंपनी में इंटरनेट ये दे दिया, अब यहाँ पर क्या है कि ये कंपनी है मेरा पूरा हॉल है, अब यहाँ पर ये कंपनी में इंटरनेट आ गया ये वाला, अब यहाँ पर ऐसे 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 करके बहुत सारा है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग जैसे बाय द 500 डेस्कटॉप यूज हो रहा है तो सबको कनेक्शन दे दिया। तो ये कंपनी के अंदर में क्या है, मेरा लैन कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क, आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो ये प्राइवेट कनेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाते हो कि हाँ भाई मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस दे रहा उसके बीच में और यूजर के बीच में। ब्रॉडबैंड में कॉमन वायर होता है, देखो कॉमन वायर होता है, लेकिन इसमें उस यूजर के लिए एक अलग से सेपरेट वायर को लगाया जाता है। ब्रॉडबैंड का स्पीड वेरी करता है, ब्रॉडबैंड में बहुत सारे यूजर है, उसी एक तार से लगभग लगभग आपको समझ लो कि 1,000 घर यूज कर रहा, तो बहुत सारा यूजर है तो इंटरनेट का स्पीड वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लीज लाइन में इंटरनेट का स्पीड कांस्टेंट होता है क्योंकि आपके लिए अलग तार लगाया गया। अब जितना लंबा वायर होगा उतना अधिक कॉस्ट होगा, तो नॉर्मल बात है। यह सर्विस प्रोवाइडर यहाँ है, मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर पे है तो मुझे कम कॉस्ट पड़ेगा, मेरा ऑफिस 10 किलोमीटर पे है तो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ही अधिक कॉस्ट होगा। अब ये क्या होता है, ये लैन जो मैं लिखा हूँ वो ये लिखा हूँ
कि ऑफिस के अंदर में लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। अभी ये टॉपिक आगे आएगा तो आपको मैं डिटेल में और बताऊंगा। मतलब एक कंपनी एक कॉलेज के अंदर में अपना जो नेटवर्क होता है उसी को बोलते हैं लैन। तो इस कंपनी के अंदर में क्या होता है, जनरली जो भी लीज लाइन लेता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेता है वो अपना एक कंपनी रहता है, और कंपनी के अंदर में लैन कनेक्शन रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब 500-600 कंप्यूटर आपस में जुड़ा रहता है। तो ये था मेरा डायल अप लाइन और ये था मेरा लीज लाइन। अब नेक्स्ट इसमें है